चैनल फ्रेंड्स मैं हूं विभा और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही असरदार घरेलू होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूं जो कि आपकी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी साथ ही यदि आपकी स्किन पर व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डेड सेल्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये दूर करने वाली है मैं आप सभी के साथ एक प्रोडक्ट का भी so, आज का ये वीडियो, एक पसंद आने पर वीडियो को देख अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स so, इस होम रेमेडी को हम बहुत ही आसानी तरीके से घर में बनाएंगे बिना किसी ताम झाम के सो so, यहाँ मैंने गर्म तवे के ऊपर कटोरी रखी है स्टील की और उसमें एक चम्मच के करीब एड कर दूंगी शहद और उसके के बाद मैं इसी कटोरी में एक चम्मच के करीब ऐड कर दूंगी चीनी यदि आपके पास पीसी हुई चीनी है तो वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं अगर आपके पास साबुत चीनी है तो इस तरीके से आप इसे मिक्स करेंगे और आपको चीनी और जो शहद है उसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है मेल्ट करने के लिए ही फ्रेंड पिंगल जाए उसी के लिए मैंने इसे गर्म तवे के ऊपर रखा है सिम फ्लेम पर उसके बाद फ्रेंड्स आधा नींबू का जितना भी जूस है मैं इसमें ऐड कर दूंगी और हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि तीनों चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक

यहाँ अपर लिप्स के अगर आपको बाल रिमूव करने हैं तो आप वहाँ पर इस वैक्स को सबसे पहले लगाएंगे और इस तरीके से उसके ऊपर ये रख देंगे स्ट्रिप और उसको हल्का सा प्रेस करेंगे थोड़ा सा ड्राई होने देंगे यदि आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा लिक्विड होगी तो आप यहाँ हल्का सा टेलकम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस स्ट्रिप को अपवर डायरेक्शन में इस तरीके से रिमूव करेंगे जैसा कि मैं आपको वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो फेशियल हेयर होता है वो ईजिली रूट से रिमूव हो जाएगा तो यहां मैंने स्ट्रिप को अपवर डायरेक्शन में खींचा है तो आप देखेंगे कि के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मैं दूसरी तरफ भी अब ये जो वैक्स है इसे अप्लाई करूंगी इसके ऊपर स्ट्रिप रखूंगी हल्का सा ड्राई करूंगी और अपर डायरेक्शन में खींच दूंगी सो फ्रेंड्स घर में आप बिना किसी ताम झाम के इजिली फेशियल वैक्स कर सकते हैं इस वैक्स वैक्स को करेंगे तो आपकी स्किन में कोई तरह की एलर्जी नहीं होगी क्योंकि इसमें किसी भी तरीके तरीके का कोई केमिकल नहीं है सो so, इस तरीके से मैंने अपनी अपर लिप्स जो है उन्हें रिमूव कर लिया है और जो भी हेयर है वो इस टेप में निकल के आ रहा है फ्रेंड्स जो कि मैं वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वीडियो में क्लियर करना तो आसान नहीं होता है लेकिन जब आप इसे खुद बनाकर ट्राई करेंगे तभी आप इसके रिजल्ट जान पाएंगे सो फ्रेंड्स यदि आपके कान के पास भी बहुत ज्यादा फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी इस वैक्स को आप लगाएंगे और से अब वह डायरेक्शन में रिमूव करेंगे तो आपके कान के पास के जो फेशियल हेयर हैं वो भी रिमूव होंगे और इससे फ्रेंड्स आपकी स्किन काली भी नहीं पड़ने वाली है कई बार थ्रेडिंग कराने से हमारी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है तो फ्रेंड्स इस वैक्स से आपकी स्किन लूज भी नहीं होने वाली है तो फ्रेंड्स जब आप इस वैक्स को लगा लेंगे अपने फेशियल ले हेयर रिमूव कर लेंगे तो अपनी स्किन को क्लीन करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो उसके लिए यहाँ मैंने गुनगुने पानी में एक बैर ठैंकी कर लिया है और उसे इस जो पोर्शन है उसको मैंने अच्छे से पोच लिया है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ यदि आपको ब्लैक हेड व्हाइट हड्स की भी प्रॉब्लम है तो उसे भी ये रेमेडी दूर करती है सो यहाँ मैंने अपनी नोज़ के आस पास थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमारे वाइट हेड्स ब्लैक हड्स आ जाते हैं डेड सेल्स जमा हो जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने अपनी नोज़ को सबसे पहले क्लीन किया उसके बाद ये होमवेड वैक्स लगा लेंगे हम उसके बाद हम जो टिश्यू है उसे अपने नोज़ पर लगाएंगे और उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव करेंगे देन उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे जब आप इसे रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो नोज़ के अराउंड जो भी ड्स ब्लैक एंड डेड सेल्स हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगी आपकी नोज एकदम क्लीन हो जाएगी जैसे आपने पार्लर में जाके ब्रशिंग कराई हो अपनी नोज की सो so, फ्रेंड उसके बाद आप गीले हैंकी से अपनी नोज अपने अपलिस जहाँ भी आपने फेशियल हेयर रिमूव किया वहाँ अच्छे से वॉश कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर फेस वॉश भी कर सकते हैं तो so फ्रेंड्स आपने देखा कि घर की ही चीज़ों से कितनी आसानी से मैंने फेशियल वैक्स कर ली है तो so फ्रेंड्स इसके बाद आप अपनी स्किन की मॉइस्चराइजिंग जरूर कर लीजिएगा जैसा कि अभी विंटर्स भी हैं सो so यहाँ मैं जॉय फ्रूट की जो क्रीम है उसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी हल्की सी मसाज करूँगी जिससे कि जो क्रीम है हमारी स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी स्किन ड्राई भी ना हो फ्रेंड्स स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्दियों में क्योंकि हमारी स्किन इसकी वजह से अगर हम स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे हमारी स्किन ड्राई होने लगेगी और ड्राई होने के कारण हमारी स्किन बहुत ज्यादा रूखी कटी फटी बेजान नजर आने लगती है तो so फ्रेंड्स आप भी अपने फेशियल हेयर से अपने चेहरे के अंशाह बालों से बहुत ज्यादा परेशान है तो इस तरीके से घर में ही वैक्स बनाकर आप अपने फेस की वैक्सिंग कर सकते हैं सो फ्रेंड्स यदि आप इस तरीके से फेस की वैक्सिंग करेंगे तो एक टाइम बाद आपके फेशियल हेयर आना एकदम बंद हो जाएगा तो आप भी अंशाह बालों से छुटकारा पाने के लिए इस वाली होम रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा एंड वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथी फ्रेंड्स एक प्रोडक्ट का होनेस रिव्यू भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद भी यूज करती हूँ फ्रेंड्स ये है स्टेमियो का एडिबल क्वालिटी जामुन सीड पाउडर फ्रेंड्स ये हमें खाना होता है फॉर कंजप्शन के लिए होता है प्योर एंड नेचुरल है प्रिजर्वेटिव फ्री है इसमें केमिकल नहीं है टोटली केमिकल फ्री है फॉर ऑल मैन एंड वोम के लिए है और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेंड्स मेड विद लव इन इंडिया और सर्टिफिकेशन अप्रूव्ड है सो बात करें इसके बेनिफिट्स की तो हेल्प टू मेंटेन हेल्दी ब्लड शुगर लेवल हेल्प टू मेंटेन हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ यूनरी डिसऑर्डर और ये हमारे कैलेस्ट्रॉल लेवल को भी मैनेज करती है so, मैं आप आपको इसकी एमआर बता देती हूं। friends, ये 697 रुपीज का 750 ग्राम का पैकेट है जो कि मैंने ऊपर से, मैं कि से, so से कट कर दिया इस तरीके से ये सील हो कि ये पैकेट आता है और आप देखेंगे कि ये एक पाउडर फॉर्म में है तो so ये पाउडर फॉर्म में है और इसके कलर को देख के साफ पता चल रहा है कि एकदम ये नेचुरल है जामुन के जो बीज होते हैं उनका सुखाकर ही ये पाउडर तैयार किया गया है एकदम नेचुरल प्रोसेस से सो so फ्रेंड्स इसे आप कैसे पी सकते हैं तो उसके लिए आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें एक चम्मच के करीब इस पाउडर को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे स्मूथी जूस के साथ भी रेडी करके आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं Hence, ये ड्रिंक कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो मैनेज करता ही साथ ही आपको वेट लॉस कराने में भी बहुत हेल्प करता है डायबिटीज वालों के लिए तो एकदम बेस्ट है फ्रेंड्स यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं या फिर इसकी बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं मैंशन मैं मैं कर दूंगी आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं सो so, इस तरीके से मैंने इस ड्रिंक को अच्छे से रेडी कर लिया और ये मिक्स हो गया इसके बाद मैं इसको अच्छे से ड्रिंक कर लूँगी सिप सिप करके हमें इसे पीना है आप दिन में किसी भी टाइम इसे एक बार पी सकते हैं सो फ्रेंड्स स्टेम्यो ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं एकदम केमिकल फ्री होते हैं और हमारी स्किन हेयर एंड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं सो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा सो so फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ आज की ये होम रेमेडी आप सभी को पसंद आई होगी सो so आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिएगा एंड साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को विग बेलाइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस तरीके की इजी एंड एफेक्टिव होम रेमेडीज फ्यूचर में भी देख सके सो so इस वीडियो का मैं यही करती हूँ एंड जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए खुश रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय